हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, क्या अच्छा करते, क्या बुरा करते, तो सभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। 10:40 होने वाले हैं, अभी सोकर उठे हैं। तो यार, ऐसा आज इतना ज़्यादा नींद लगी कि हद हो गई। 10:40 पर सोकर उठा हूं। चलो और आगे देखते हैं। ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं, चलो ऑफिस चलते हैं। आया था कुछ काम से, पर काम तो हुआ नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ा एक वीडियो शूट कर लूं 2 की। देखो कितने भयंकर रोड चल रहा है, बिल्कुल एकदम खचाखच। इलेक्ट्रिक ऑटो है, एक भाई साइकिल से साइकिल धकाते हुए आ रहा है। बहुत चढ़ाई है यहाँ पर, मैं अभी खड़ा हूँ इस जगह पर। ये घाटी है एकदम, और वो देखें सीधे, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये मंदिर है, प्राचीन काली माता मंदिर, और उसके पीछे है ताजमहल पैलेस। तो ये आ गई TRV-4 ISBT लाल घाटी गांधीनगर, और इसके पीछे आ रही है जय माता दी ट्रेवल्स। तो ये कहाँ की है? अब्दुल्लागंज वाली। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ये देखो डबल डेकर जा रही है। ये देखो पीछे निकल गई मंडी दीप वाली बस, आगे वो उधर जा रही है एक बस सामने मंडी दीप से, उधर गांधीनगर बैरागढ़ की साइड। ये देखो TRV-4 आ गई, ये TRV-4 निकली है, इसी के बाजू में देखो इतने ज़्यादा ट्रैफिक, 1 की शांति नहीं है। ये देखो सम्राट ट्रेवल, भोपाल से राजगढ़ ब्यावरा, तो वहाँ देखो कितना लंबा ट्रैफिक लग गया है, बस ही बस हो गई है वहाँ तो, लगा तो लगा। ये देखो BBCL की ये आ गई, सरकारी बस निकल गई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रूट। तालाब के किनारे खड़ा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मछलियों को कुछ खाना खिलाया जाए, तो ये ब्रेड ले ली है। और पीछे देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं, सांप दिखेंगी नहीं शायद, पर मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, तो मैंने कहा इनको ब्रेड खिलाई जाए। देखो अभी मछलियाँ इतने दूर हैं, देखो अब जैसे ही ब्रेड डालेंगे, ये देखो ये आ गई, ये देखो ब्रेड का खाना पीने का काम चालू। ठीक है, ये देखो ये दो गई, और स्नैक भी आ गया भैया, स्नैक पानी वाला। देखो पानी वाला स्नैक कितने तेज, वो देखो वो गया, छिप गया, अंदर गया। ये देखो वो देखो स्नैक वो वहां निकल आया थोड़े दूर पर। तो ये मछलियों का भोजन हो गया, अब यहाँ पर डालते हैं। देखो ये डाला, अब ये मछलियाँ आएंगी, देखो कितना झुंड बनाकर ये खाना चालू। ये देखो, ये देख लो भाइयों, तो मछलियों को भोजन कराते हैं तो कितना प्यारा लगता है, दिल खुश रहता है। ये देखो, ये देखो 1 में ब्रेड ख़त्म, ख़त्म हो गई पूरी ब्रेड 1 के भीतर। मछलियों को भोजन कंप्लीट करा दिया, भोजन हो गया, अब अपना भोजन भी करेंगे क्योंकि 1:30 वाला है, लंच टाइम है। तो ये देखो ये मछलियाँ पूरी खाना खा चुकी हैं, और भी लोग हैं जो अपना मछलियों को दाना पानी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, ये देखो काफ़ी लोग हैं। ठीक है भाइयों, शाम का समय है, 6:20, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मौसम। भाई ऑफिस से छूट चुके हैं, ये देखो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, मैं पैदल हूँ। जब आप लोग चाहोगे गाड़ी दिलवा दोगे तो ले लूँगा मैं भी। ऑफिस से छूट चुके हैं, घर जा रहे हैं। न्यू स्टार बस निकल गई, ये कहाँ जा रहा है ऑटो में भरा कर, पूरी जनता की जनता। बस स्टॉप पे आ चुके हैं, थोड़ी देर में बस पकड़ लेंगे। छः बजकर बीस मिनट ये निकल गई रेड बस।
हमारी बस भी आई गई TR-4V। चलो बस पकड़ लें भैया टाइम से, नहीं तो अपना टाइम खराब हो जाएगा, पूरी ट्रेन निकल जाएगी। तो खाली मिल गई एकदम। TR-4 एकदम खाली मिल गई यार, एकदम मजा आ गया। ये देखो अमेरिका का मेन गेट, ये लाल बस निकल गई। शाम का दृश्य कितना प्यारा है, एकदम खूबसूरत। ये आज की पेट्रोल पंप, ये पीछे का ट्रैफिक। थोड़ा अपनी सीट से बाहर खड़ा कर, मार्केट का टिकट भी ले लिया। ये हमारे बड़े भाई हैं कंडक्टर साहब। रेड सिग्नल मिल गया भोपाल ट्रैफिक से, 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा। ये देखो रेड सिग्नल सामने, ओहो पीछे ट्रक आ गया। देखो कितने भयंकर ट्रैफिक लगता है शाम के टाइम। ये देखो ये कटियार बस जा रही है, कहाँ जा रही है पता नहीं, भोपाल से पिपरिया नागराबाद ट्रेन से मिलेगी। हाँ बेटा छुड़ावे की सोच रहा होगा। शाम के 6:28 हो चुके हैं, टाइम 6:29 और अभी नादरवा स्टैंड पर खड़े हैं। ये देखो पीछे लग गई है 404 बस नंबर। उतरे थे और देख सकते हैं 7:15 बजने वाले हैं। ये देखो पूरा ट्रैफिक खचाखच, वो ट्रैफिक जम आ गया एकदम, बिल्कुल TR-4 ये यहीं फंस कर रह गई है। लग तो ऐसा रहा जैसे सोना फैला हो पूरे मार्केट। चलो मैं भी चलूं, अपनी ट्रेन का टाइम हो गया भाई। ट्रैफिक वाले ट्रैफिक संभाल रहे हैं दिल लगा के जान लगा के, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है शाम के समय। ये है रेड सी प्लाजा कॉम्प्लेक्स और ये सामने है स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन। 12919 मालवा सुपरफास्ट 2 नंबर पर खड़ी है, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी जा रहा हूँ स्टेशन। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया, बहुत ही ज़्यादा। देख लो पैदल तक निकलना मुश्किल हो रहा है, ऑटो वाटो की तो छोड़ ही दो, आवाज़ में भाई तो आ ही नहीं पाएगी, इतनी ज़्यादा भीड़ है यार। शिवरात्रि की वजह से सभी लोग अपने अपने उज्जैन जा रहे हैं, कोई उज्जैन से सीहोर जा रहा है कुबेरेश्वर धाम। ये देखो पीछे देखो, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सब पब्लिक ही पब्लिक स्टेशन पर आ चुके हैं, पर इतने दौड़ के आए, पर यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है शिवरात्रि की वजह से। बहुत से लोग सीहोर जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम और कुछ लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे हैं महाकालेश्वर। ये हमारी स्टैंड बस रेलवे स्टेशन हो गई, सॉरी दौड़ के आए ना एकदम हाफ चले आई यार। ये देखो भोपाल रेलवे स्टेशन का बोर्ड, ये अंदर एंट्री गेट और ये पुराना डिब्बा रख दिया खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और आज तो भीड़ ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, चक्कर का है पता नहीं। देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज तो। अरे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। जय श्री महाकाल, सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो स्टेशन पर इतने ज़्यादा भीड़ है कि पैदल चलने में तक दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उज्जैन पता नहीं कब पहुँचेंगे और कब दर्शन होंगे और बताना मुश्किल है। आप
और ये जो ट्रेन जा रही है जो जयपुर मैसूर है, जयपुर मैसूर चल चुकी है यहाँ से। ये देखो जयपुर मैसूर निकल गई है। जयपुर मैसूर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मालवा को आए 15 मिनट हो चुके हैं पर अभी चली नहीं है, थोड़ी देर में चलने वाली है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, एक डेढ़ घंटे में पहुंचा देगी आराम से। पर ये वीडियो होना बहुत ज़रूरी था। देखो आज सभी जा रहे हैं अपनी महाकाल की तैयारी में और देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक भीड़ ही भीड़। सात बजकर 2 मिनट अभी मालवा खड़ी है, 2-5 मिनट में चलेगी फिर अपन भी चलेंगे इसमें। जल्दी चल जाए तो ठीक है यार, बस घुसने के। अरे सिग्नल तो हो चुके यार मालवा के, अब ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे। यहीं देख लो इस डब्बे की हालत, ये एस वन है, यहाँ से पूरा एसी का डब्बा है, यहाँ मतलब एसी वाले कोच हैं, अब आगे नहीं जा पाएंगे। चलो भैया अपने एस फाइव में चलें, उसी में फ़ायदा है। भैया मालवा चल चुकी है, अब हम भी इसमें सफ़र करेंगे तो इसलिए पहले बैठ जाते हैं, नहीं तो सीट तो मिलनी नहीं है, सीट तो लुट गई और अपन पहुंच भी नहीं पाएंगे एस फाइव तक। भीड़ थोड़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी भीड़ तो चले है। चलो अब उतर जाए यार, अब आप पर आ चुके हैं। तो स्टेशन पर उतर के कैसे लगो? अरे बहुत अच्छा लगो यार, ये देख लो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बैंड बज गई। मालवा छूट चुकी है, करेक्ट 8 बज रहे हैं, ये देखो। ये देखो मालवा निकल चुकी है, ये B6 है AC का, B6 के बाद ये है PC मतलब पेंट्री कार, और ये देखो रिजर्वेशन वाले डब्बों की हालत। ये इस डब्बे को देखो पूरे गेटों से भारी पड़ी है, गेटों तक इतनी ज़्यादा भीड़ है आज। गई गई ये हमारे गार्ड साहब गए। लो भैया ये देखो लटके जा रहे हैं। 10 बज चुके हैं और घर आ चुका हूँ, तो अब इस ब्लॉग में आप सभी से विदा लेता हूँ। कल तक के लिए सभी से नमस्ते, बाय बाय। अब मिलते हैं नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ अगले दिन, तो नमस्कार।